शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। I want no mistakes. No mistakes. Over and out. तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? मुझे सिक्योरिटी की नहीं, इस जगह को सिक्योरिटी की जरूरत है. Understood? Over and out. Out. Yes, sir. Good morning, sir. I hope सब कुछ कंट्रोल में है, रॉय. सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं. Give me one more chance, please. He's genius. Absolute genius. Superb. He's amazing. Playing a tape? Obe, lida mana re? Mana samero? મારો દીકરો, મારો પ્યારો પ્યારો બચ્ચો, મારો બુઢા કહીં કા અપને ઓલાદ કો પરેશાન કરતા હૈ ઓર ઉસ ગાડી કો મારો દીકરો, મારો દીકરો. અરે
ए बमन भैया मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया भूल गया मेरे दीकरे का खोराक भूल गया वो पप्पा पप्पा जी बोल पप्पा जी जी पप्पा आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू जी पप्पा जी जितना बोला उतना ही बोल चुप क्यों है मुंह में जबान नहीं है क्या है ना पापा जी जबान लगाता है सॉरी पापा जी पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी मतलब बाद में गलती करेगा नालायक आज ब्रेक ऑयल आना चाहिए संजय जल्दी जा मैं तो तंग आ गई इनसे काम धंधा कर देने ऊपर से रात को घर लेट आते हैं ना खुद सोते हैं ना हुए ना मैनू सोने देते हैं पहले तीन थे अब चार चार लफंगे हो गए इस काट पे ओहो हुन कौन आया आपका पिज्जा मैम हेलो थैंक यू दो महीने से किराया नहीं भरा जब मांगो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं आज मैं इनका हिसाब करके रहूंगी दरवाजा खोलो मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो आंटी दरवाजा तो खुला ही है मेरा पिज्जा कहाँ है आंटी ये पिज्जा क्या होता है कौन पिज्जा कैसा पिज्जा मैं किसी पिज्जा को नहीं जानता तू जानता है क्या मालूम झड़फट सब समझ में आ जाएगा तुझे आंटी चुआ कहाँ है चुआ है तेरे तो ए पारसी बाबा बता मेरा पिज्जा कहाँ है हो बाप रे कॉकरोच कॉकरोच कहाँ कॉकरोच भाग गया थैंक गॉड रॉय मेरा पिज्जा कहाँ है हमें नहीं पता आंटी आपकी सगी कसम मत खा मेरी झूठी कसम अरे हंसता है तू बेशरम खोटे दलाए तू नहीं सुधरेगा तू कभी नहीं सुधरेगा मुंह है पीछे क्या छुपा है कुछ नहीं आंटी हाथ सामने ला ऑफ कोर्स आपका पिज्जा पापा अच्छा पापा एक तो तुम लोग भाड़ा नहीं देते ऊपर से चोरी करते हो शर्म नहीं आती तुम लोगों को हाँ अब ये बताओ कि मेरे दो महीने का किराया देगा कौन और जो पैसे देगा वो आगे आए मानव तू देगा मेरा पैसा पैसा मैं कहां से दूंगा पैसा तो आगे क्यों आया मैं कहां आदि मानव मेरे पैसे कौन देगा मैं दूंगा आपके पैसे मैं दूंगा आपके पैसे रॉय वो पैसे दे दे पैसे अरे वही पैसे यार जो मैंने अपनी बहन के कैंसर के ऑपरेशन के लिए रखे थे लेकिन आदित उसमें ऑलरेडी 10,000 रुपए कम है अगर उसमें से आंटी को पैसे दे देंगे तो फिर मैं मर जाएगी मर जाने दे उसे मर जाने दे उसकी किस्मत में यही लिखा है भगवान मेरी बहन तुम्हारे पास आ रही है और ये औरत आपके पास भेज रही है संभाल लेना उसे बस रोना बंद करो और मानव मेरे साथ चलो जाओ जाओ
मत बेटा, तेरे भैन का ऑपरेशन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं उसलिए नहीं रो रहा हूँ आंटी। तू क्यों रो रहा? आदि ने मुझे पहले कभी बताया नहीं कि हमारी एक बहन भी है और उसे कैंसर भी है। क्या? हाँ। You liars, you cheats! इस घर में तभी घुसना जब जेब में किराया हो। अरे बेशर्मो, जाके काम धंधा ढूंढो। काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा। अरे मिल गई। क्या मिल गई? मैं नौकरी मिल गई। ये मरा हुआ आदमी हमें नौकरी देगा? माल तो दे सकता है। वो कैसे? मानव वो घास खाते हुए घोड़ी की पेंटिंग है ना, हाँ वो चुपचाप से लेके आ जा, चुपचाप से चल जा। और तुम लोग मेरी बात सुनो, माइंड ब्लोइंग आइडिया है मेरे पास। सॉरी आंटी। रिश्तेदार आपके दोस्त थे, आपके पड़ोसी थे, तो रो क्यों रहे भाई इतना? जी कहिए, मैं ही ड्यूरी का बेटा हूँ। जी वो आपके पिताजी की अमानत आपको सौंपनी है। अमानत? वो क्या है कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी हमारी आर्ट गैलरी में आए थे और ये 20,000 की पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई थी। 1,000 रुपए एडवांस दे चुके हैं, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर लेने को कहा था। तो पेंटिंग? अजीब बात है, पिताजी का तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मरने का शौक था? नहीं, फिर भी मर गए ना। देखो कभी कभी आदमी है ना, शौक से ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे कोई शौक ही नहीं होता। हाउ शॉकिंग इज दैट? शॉकिंग। छोड़िए ना भाई साहब, फटाफट पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट, पता नहीं कहां भटक रही है। पापा की पेंटिंग, हमारे पैसे, ये 20, थैंक यू, ये लो 19, ये हाथ में पकड़िए, वो 1,000 गुड लक का दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ओके, नमस्ते। इतनी मेहनत से पेंटिंग लाया, खोल के देखो तो सही। ए रुको, देखो यार अभी डिस्काउंट मत मांगना यार। ये क्या है? पेंटिंग है और क्या? ओ किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? घास तो घोड़ा घोड़ा खा गया ना। तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है, चला गया वो, सही बात, चला गया। हम चलते चलते हैं। नमस्ते नमस्ते जी, थैंक यू। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापिस आ जाएगा। ए पंटर लोग, ए उठो रे, ए सुबह हो गई मामू, चल थोड़ी देर और सोने दे। ओए कह दिया ना, ओए इतने झोपने का नहीं बोला तो झोपने का नहीं। लॉलीपॉप, चल उठ रे, चलो घर जाओ, चलो घर चलते हैं। तू तू बाप का राजा, घर चलते हैं। रेंट देना आंटी को, पैसे निकालो यार। वो सारे खर्च हो गए, अब क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। न्यूज़पेपर? अभी चोरी करके आता हूँ पेंटिंग। हम लोग जाके लेके आते हैं। मिस्टर समीर जी, कहिए, मैं समीर अग्रवाल हूँ। मैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी, क्राइम ब्रांच। आपके पिता मिस्टर अग्रवाल का जिन चार लोगों ने मर्डर किया है, पुलिस को शक है कि वो चारों लोग पाशा गैंग के आदमी। मिस्टर अग्रवाल का मर्डर संडे रात 9 बजे हुआ, लेकिन वो शाम को 6 बजे ही घर से बाहर निकल चुके थे। क्या बता सकते हैं वो घर से बाहर किस काम से निकले थे? हम लोग अग्रवाल साहब से मिलना चाहते हैं। काम क्या है?
वो फोन पर कह रहे थे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी सिर्फ 50,000 रुपए ही दे सकता हूँ। अच्छा, तो 50,000 उन्होंने तुम्हें दिए थे? एडवांस? एडवांस को शक है क्या? मुझे याद आ गया, पापा ने फोन पर एक मुहावरा बोला था। वो फोन पर कह रहे थे कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। आई थिंक कोई मिस्टर अग्रवाल को ब्लैकमेल कर रहा था। हो सकता है घोड़ा और घास उनका कोड वर्ड हो। साहिबाना साहब, काफी अच्छी जान पहचान लगती है आप लोगों की अग्रवाल साहब से। हैं? हाँ, अपना काम ही कुछ ऐसा है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान रखनी पड़ती है। समझो बेटा, जा। एक्सक्यूज मी मिस्टर समीर, और जरा जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। वेले है क्या हम लोग? जल्दी करना यार। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, चले जाना, जरा हम भी तो देखें वो पेंटिंग। क्यों, तुम हो कौन? इंस्पेक्टर कुलकर्णी, क्राइम ब्रांच। ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था। चलो चलो पेंटिंग दिखाओ, जल्दी जल्दी करना। उल्टा है, घोड़ा लेटा हुआ था। घोड़ा और घास, गिरफ्तार कर लो सबको, जल्दी। आज के बाद मैं किसी के चौथे पे नहीं जाऊंगा। अबे नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद सब लोग हमारे चौथे पे आएंगे। पीटर पहचाना, कुलकर्णी साहब का फेवरेट रोड है ये। हाँ, लास्ट टाइम टीटू टार्जन का एनकाउंटर भी इधर ही किया था ना। देखा ना, मैं हाथ में पिस्तौल, शर्ट के बटन खुले हुए, और जैसे ही वैन रुका और टीटू टार्जन को उतारा ना, वो समझ गया था कि आज उसका गेम बजने वाला है। सही करते हैं साहब, उठाया और बस एनकाउंटर। तेरे को पता है कुलकर्णी साहब का कितना स्कोर हो गया? क्या स्कोर हो गया? हाफ सेंचुरी में 4 कम है। क्या बात कर रहे हैं? 47, 48, 49, 50. नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता। मनु मरवानी नहीं पापा। यस सर, यस सर। क्या अग्रवाल के मर्डर का पता चल गया? जी सर, लेकिन सर इन चारों का? जी सर, राइट अवे सर। ये गाड़ी, ये यहाँ आज हाफ सेंचुरी कंप्लीट। देशमुख खोल दो इन्हें। यस सर। नहीं, इट्स ओके, छोड़ो। चलो जल्दी जल्दी, चलो नीचे उतरो। चलो नीचे उतरो। नहीं सर, प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर। बताया मुझे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अबे छोड़ने की बात मत कर सर, प्लीज हमें पकड़ के रखिए सर। सर हमें उम्र कैद की सजा दे दीजिए सर। निकालो इनको बाहर सबको। नहीं सर, जल्दी। चलो तुम सब आजाद हो। थैंक यू सर। सर आप पीछे से गोली मार दोगे ना सर? सामने से नहीं मार सकता क्या? हाँ, प्लीज सर, 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 बच गए यार, बच गए। गाड़ी में तो कोई नहीं है। अब बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। ए, वो रहा। चल 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 चल। ओह गॉड, ओह माय गॉड, गॉड ही इज बैडली हर्ट। शिट।
हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं जानता हूँ मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं सर, आपको कुछ नहीं होगा, हम एम्बुलेंस लाते हैं। आप जिस कोई फायदा नहीं। फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो। गोवा देखा है तुम लोगों ने? देखा तो नहीं सर, आप ट्रैवल एजेंट हैं? शट अप मानव, तुझे पानी ले गया, सॉरी। देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है। गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्ल्यू के नीचे, एक बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़? 10 करोड़? 10 करोड़? हाँ, मेरी जिंदगी भर की कमाई है वो। मगर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम भले लोग लगते हो, पर आजकल की सुरुख की दुनिया में कौन किसकी मदद को आता है? वैसे भी वो सारा रुपया मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तुम उन पैसों को निकाल लेना और आपस में बांट लेना, फिर सारा जहां तुम्हारे कदमों में होगा, सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। उन पैसों को निकाल कर अपने सपने पूरे करो और शहंशाहों की तरह जियो, शहंशाहों की तरह जियो। मर गया। हाँ, और मरते मरते हमसे मजाक कर गया। मजाक? मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं, मरता हुआ आदमी कभी। मर गया। पानी। मर गया। ओ, वो अंकल गोवा के बारे में क्या बोल रहे थे? वो अंकल कह रहे थे कि गोवा में कोई सेंट सेबेस्टियन गार्डन है, वहां पे एक डब्ल्यू है, उसके नीचे इन्होंने 10 करोड़ रुपए छुपा रखा है, हमें जाके वो पैसे निकालने हैं। हम क्यों निकालें? हम उसके बाप के नौकर हैं क्या, उसका काम करेंगे? दस करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए? हम लोग करोड़पति बन गए? 10 करोड़ रुपए? Yes! Don't believe it, man! 10 करोड़! Don't believe it! Don't believe it! हम लोग केबीसी खेलने जा रहे गॉड। पुलिस को सेंट सेबेस्टियन गार्डन के बारे में कुछ मत बताना। ओके, और 10 करोड़ के बारे में? तू फिर मेरे हाथ से निकल गया। लाश के पास सबसे पहले कौन आया था? लाश के पास सबसे पहले कौन आया था? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? मतलब जब हम लोग आए थे तो वो लाश नहीं थी, वो जिंदा था। वो जिंदा था मतलब? हाँ, वो बस मरने वाला था। मरने वाला था मतलब? आखिरी सांसें बाकी थी उसकी, मगर तभी मर गया था। यस, चलो लाइन में आओ सब लोग। चलो अब ये बताओ, वो जिंदा था या मर गया था? जिंदा था थोड़ा सा। मरने के पहले लोग थोड़े से जिंदा रहते ना वैसे। मरने से पहले कुछ बताया उसने? कुछ इन्फॉर्मेशन दी उसने? कुछ कह रहा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आ गया,
हवलदार जी साहब, इन चारों को पुलिस स्टेशन लेके जाओ। अरे लेकिन सर, चल 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 सर, बॉस तो मर गया, अब आप कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? मैं भी यही सोच रहा था। तुम लाश की तलाश लो। चला इनटू जीप, कम ऑन, बैठो चला। अरे मेरे, अरे भाई मेरे पीछे नहीं, जीप में बैठ जा। इंस्पेक्टर साहब! अरे हम लोग भाग क्यों रहे? अरे भागते नहीं तो वो इंस्पेक्टर सारी असलियत ही गोल ला लेता। अरे उसके पास जीप है, वो हमें दो मिनट में पकड़ सकता है। अरे नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि डिटेक्टिव रॉय उसकी जीप की चाबी अपने साथ लेके आया है। सुपर! तो मैं कौन सी चाबी ले आया हूँ? सर सर, वो तो मेरे घर की चाबी भी लेकर भाग गए सर। चाबी नहीं, वो चिटफंड फ्रॉड के पैसे का राज भी लेके भाग गए, जिसके पीछे मैं 10 साल से पड़ा हूँ। सबके मिला के 205 रुपए। अरे इतने में सिर्फ एक ही आदमी गोवा जा सकता है यार। एक काम करता हूँ, मैं गोवा जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ, ठीक है? अबे रुक, क्या हुआ? मुझे गोवा जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया क्या? जाएंगे तो चारो साथ गोवा जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू। लिसन, तुम लोग को जो करना है करो, मुझे तो बहुत सारा बाथरूम करना है यार। चुप यार, चुप यार। एक तो वो इंस्पेक्टर हम लोगों के पीछे पड़ा है, अगर उसने हम लोगों को पकड़ लिया तो यार हमें जल्द से जल्द गोवा पहुंचना चाहिए। देखो अगर हम सबको एक साथ गोवा जाना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। पापा मुझे मार डालेगा उनके गाड़ी को हाथ लगाया तो। कोई चांस ही नहीं है यार, सुबह जब तेरे बाप को पता चलेगा तब तक तो हम गोवा में होंगे, है ना? हाँ, तेरे जेब में माल होगा तो अपने बाप का बाप होगा, है ना दी? हाँ, मगर फिर तो ओके यार, चलो। तुम दोनों गाड़ी के पास जाओ, हम लोग चाबी लेके आते हैं, ठीक है? ओके ओके। तू उतर के जा यार, तू मेरे साथ चल। रहे मानव स्कूल ड्राइवर पकड़। गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी। मानव स्कूल ड्राइवर है ना, स्कूल ड्राइवर। काम ले, जब तक वो नहीं मिलते तुम एयरपोर्ट से नहीं हिलोगे, इज दैट अंडरस्टूड? रेलवे स्टेशन पर 25 आदमी और लगा दो, मुझे वो चारों चाहिए किसी भी हालत में। जब तक वो चारों पकड़े नहीं जाते, नाकाबंदी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ये चारों जा कहां सकते हैं?